दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक प्रोफेशनल कार्टून कैरेक्टर फोन से बनाना सीखा था। तो उस वीडियो में हमने कैरेक्टर का सभी बॉडी पार्ट्स अलग अलग बनाया था। तो आज हम सभी बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे ड्राइंग कार्टून 2 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप में अगर आपको मोबाइल के गैलरी में से कोई आइटम ऐड करना होता है तो उसके लिए आपको आइटम कंस्ट्रक्टर के ऑप्शन में जाना होता है। तो हमें इस ऐप में कैरेक्टर का बॉडी पार्ट्स ऐड करना है तो हम आइटम कंस्ट्रक्टर के ऑप्शन में जाएंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में न्यू का ऑप्शन है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो कैरेक्टर का बॉडी पार्ट्स बनाए थे वो इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमें ऊपर में राइट साइड में ब्लू कलर का न्यू बोन का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें अब गैलरी से कार्टून कैरेक्टर को ऐड करना है तो हमें ये बकेट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो गैलरी से फोटो ऐड करने के लिए हमें सीजर वाले ऑप्शन पे जाना होता है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो हमने जो कैरेक्टर का बॉडी पार्ट बनाया था उसको इस तरह से एक साथ कर लिया है ताकि कोई भी बॉडी पार्ट्स गैलरी से डिलीट ना हो जाए या फिर इधर उधर ना हो जाए। तो आपको भी इसी तरह से बॉडी पार्ट्स को एक ही फ़ोटो में रख लेना है। तो हम इनमें से सबसे पहले कैरेक्टर का धड़ ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम क्रॉप करेंगे और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा। तो इस तरफ का लाइन राइट साइड है और इस तरफ का लाइन लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में हम लोग कैरेक्टर का गर्दन रखते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग कैरेक्टर का नीचे वाला हिस्सा रखते हैं। तो कुछ इस तरह से कैरेक्टर के धड़ को लाइन के बीचों बीच रख लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बीच में एक ब्लू कलर का डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा धड़ है उसके ऊपर 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा बॉडी इसमें अटैच हो जाएगा। तो हम इसको सीधा कर देंगे कुछ इस तरह से और इसको जूम कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें जैसे ह्यूमन बींग्स में बोन रहता है वैसे हम लोग को यहाँ पे बोन बनाना है। और बोन बनाने के बाद हमको यहाँ पर बॉडी पार्ट्स को गैलरी में से लाना है और सभी बोन्स में अटैच करना है। तो बोन बनाने के लिए हमें न्यू बोन पे जाना है और सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पॉइंट वाला बॉक्स बन जाएगा। तो इस बॉक्स वाले ऑप्शन से ही हम यहाँ पे बोन बनाएंगे। तो बोन बनाने के लिए ये वाला पॉइंट को सेलेक्ट रखना है और इतना करने के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट वाले लेयर पर क्लिक करना है और अटैच पे क्लिक कर देना है। और इस बोन को इस तरह पकड़ के इसके लेफ्ट वाले हैंड के बाजू के पास इस तरह से रख लेना है और राइट साइड वाले बाजू को भी हम लोग इसी तरह से बोन बनाएंगे। तो हम लोग इस तरह से राइट वाले बाजू पर इस तरह से बोन रख लेंगे। तो अब हमें बीच वाले बोन को सेलेक्ट करना है और इस पे भी एक स्ट्रेट बोन बना देना है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से बनाना है आपको बोन गर्दन के पास। तो गर्दन के पास आपको कुछ इस तरह से बोन बनाना है।
तो अब हम नीचे के साइड में पैर का बोन बनाएंगे। तो हम आइकन को सेलेक्ट करेंगे और एक बोन बना लेंगे पैर के लिए, और इधर साइड के पैर के लिए एक और बोन बना लेंगे। तो बोन बन चुका है, अब हम कैरेक्टर का बॉडी पार्ट अटैच करेंगे। तो न्यू बोन पे जाएंगे, बकेट वाले ऑप्शन को होल्ड करेंगे, कैंची वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसका बाजू सेलेक्ट कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से। और हमें एक बाजू को अभी लेना है, दूसरे वाले बाजू को हम अगले बार में लेंगे। तो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा हमें लेफ्ट साइड में रखना है। अगर आपके बाजू को बड़ा या छोटा करना है तो ये वाला ऑप्शन से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अब हमें लेफ्ट साइड वाले बाजू को धड़ में अटैच करना है, तो उसके लिए हमें ये वाला बोन पे क्लिक करना है और ये तीन पॉइंट वाले लेयर को सेलेक्ट करना है एंड अटैच वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा बाजू धड़ में अटैच हो जाएगा। तो हम धड़ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। छोटा बड़ा देख लेना है एंड छोटा बड़ा देखते हुए इसको सही से एडजस्ट कर लेना है एंड ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कुछ इस तरह से रख लेना है। तो अब हम राइट साइड वाले बाजू को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसका राइट साइड वाला बाजू भी अटैच हो गया है। अब हम लोग बाजू का नीचे वाला हिस्सा को अटैच करेंगे। नीचे के बाजू वाला हिस्सा भी अटैच हो चुका है, अब हम नीचे का हिस्सा अटैच करेंगे। तो हम लोग को करेक्टर का धोती भी इस तरह से अटैच कर लेना है। तो धोती काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो हम लोग यही थ्री डॉट वाले लाइन पे जाएंगे और एडिट पे जाएंगे एंड ये वाला सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को एंड अपने फिंगर की मदद से इसको छोटा कर लेंगे। तो जो करेक्टर का धोती है करेक्टर के धड़ के ऊपर है, तो हमें
करेक्टर का धोती धड़ के नीचे करना है, मतलब कि कपड़े के नीचे धोती करना है। उसके लिए हम ये वाला आइकन को सेलेक्ट करेंगे और येलो वाले तीर को क्लिक करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक की धोती कपड़े के अंदर ना चला जाए। तो धोती अंदर चला गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें ये वाला जो आइकन है इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं हल्का सा धोती के पास, और अब राइट साइड वाले धोती को भी अटैच कर लेते हैं। इसका दोनों धोती अटैच हो गया है, अब इसका दोनों जूता अटैच करेंगे। तो फाइनली सारा बॉडी पार्ट अटैच हो गया है। अब हम लोग क्या करना है कि मास्टर पॉइंट बनाना है, क्योंकि इसका दोनों हाथ और सर अलग से अटैच करेंगे। तो हमें तीन जगह मास्टर पॉइंट बनाना है, गर्दन के ऊपर और दोनों हाथों के बाजू के नीचे। तो मास्टर पॉइंट बनाने के लिए हमें गर्दन के ऊपर वाला पॉइंट को सेलेक्ट रखना है, और सेटिंग के ऑप्शन में जाकर मास्टर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके और अप्लाई कर देना है। इसी तरह दोनों बाजू के नीचे भी हम लोग मास्टर पॉइंट बनाएंगे। तो सेलेक्ट करेंगे पॉइंट को और सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और मास्टर पे जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। तो अब सारा कुछ हो गया है, अब हम लोग को सेव करना है। तो सेव करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको थ्री लाइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टैप करना है, फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अब कैरेक्टर का सर ऐड करेंगे, तो आइटम कंस्ट्रक्टर के ऑप्शन में जाएंगे, तो फिर अब न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर न्यू बोन में जाएंगे, बकेट में जाएंगे, सीजर में जाएंगे, फोटो में जाएंगे, और इसका करेक्टर का सर ले लेंगे। और इस लाइन में हमें ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड में रखना है और नीचे वाला हिस्सा हमें लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये जो बीच में ब्लू डॉट है उस पर हम क्लिक करेंगे, और ये सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो अब हम न्यू बोन पे जाएंगे, सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक बोन वाला लेयर बन जाएगा। तो इस बोन वाले लेयर को क्लिक करेंगे, अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से एक न्यू बोन बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें और भी बोन बनाना है सर के ऊपर। तो यहाँ पर करेक्टर का सर के ऊपर बहुत सारे बोन बना लेना है, और सेटिंग के ऑप्शन पे जाके सभी पॉइंट को मास्टर पॉइंट बना देना है।
करेक्टर के सर के ऊपर सभी बोन को मास्टर पॉइंट बनाने के बाद जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको सिलेक्ट करना है और फिर सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके इसको स्लैब पॉइंट बना देना है। तो करेक्टर का सर को हम लोग स्लैब पॉइंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब गर्दन के मास्टर पॉइंट होते हैं वो अटैच हो जाएगा स्लैब पॉइंट में। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में आगे समझाए हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो सर को भी इसी तरह से सेव कर लेंगे। तो हमने अभी जो कैरेक्टर इस ऐप में अटैच किया है, ऐड किया है, उसको हम लोग एनिमेट करके देखेंगे। तो एनिमेट करने के लिए न्यू कार्टून में जाएंगे एंड इंसर्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जंगल है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कस्टम आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा कैरेक्टर बना हुआ है। तो हमने जो अभी कैरेक्टर बनाया है उसको ले लेंगे। तो हमने ये वाला कैरेक्टर अभी बनाया है तो उसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे और नीचे साइड में कर लेंगे और इसके सर को भी क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सर को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 3 मास्टर पॉइंट बनाए थे तो 2 मास्टर पॉइंट हैंड के लिए है। तो हम लोग अभी हैंड नहीं बनाए हैं, अगले वीडियो में हम लोग हैंड का ट्यूटोरियल लेके आएंगे। तो हैंड को हम लोग अटैच करेंगे ये मास्टर पॉइंट में। तो अभी हम लोग को सर को अटैच करना है मास्टर पॉइंट में तो हम लोग ऊपर वाले एरिया में जो गर्दन है उस पर ये सर को रख देंगे, अटैच कर देंगे। तो सर अटैच हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमने जो ये नीचे के साइड में गर्दन के पास ये ढेर सारे जो बोन्स बनाया था वो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बनाया था ताकि हम लोग का जो सर अटैच हो तो वो टेढ़ा मेढ़ा ना लगे और हम लोग इससे नीचे ऊपर सर को कर सकते हैं। तो अब हम करेक्टर को एनिमेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा एनिमेट किए हैं तो आप देख लीजिए। तो अगली वीडियो में हम इसका आईज और माउथ और हैंड बनाना सीखेंगे। और अगर आपको कार्टून करेक्टर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इंस्टाग्राम आईडी पर DM करके बता सकते हैं।